रेनू प्रभा साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम सजना है मुझे में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस विशेष प्रोग्राम में मैं आज आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि लड़कियों की खूबसूरती उनके बालों से होती है। अगर बाल खूबसूरत होते हैं तो हर किसी की निगाहें उनके बालों पर थम जाती हैं। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ना हमारा खाना पीना टाइम से होता है और दुनिया भर की टेंशन हमारे सर पर लदी रहती है। ऐसे में हमारे बालों पर भी इसका असर पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं, रुष्क हो जाते हैं और ज़्यादा टूटने लगते हैं। अपने बालों की देखभाल करने के लिए कुछ घर में आप तरीके अपना सकते हैं और आपके इस तरीकों में बेसन का प्रयोग करके आप अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस विशेष प्रोग्राम में कि कैसे बेसन आपके बालों को और पोषक तत्व देता है और आपके बालों को चमकदार और काले घने बनाता है। आप बादाम और बेसन का पेस्ट बनाकर भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप बादाम को अच्छे से पीस लीजिए और उसमें बेसन मिला लीजिए। उसके साथ आप थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। इसे अपने बालों में अच्छे से इसकी मालिश कीजिए और थोड़ी देर बाद अपने बालों को धो लीजिए। इससे आपके बालों को काफ़ी पोषक तत्व मिलता है, विटामिन सी मिलता है और आपके बालों में जो पोषक तत्व चले जाते हैं वो वापस आने लगते हैं और आपके बाल सुनहरे और काले और घने चमकदार लगते हैं। कहते हैं ऑलिव ऑयल जो होता है वो हमारे स्किन और बालों के लिए वरदान होता है। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने बालों में बेसन मिला के कीजिए तो इसका असर और भी अच्छा होगा और आपके बाल और बेहतरीन और चमकदार और काले और घने हो जाएंगे। कहते हैं रुष्क बालों के लिए दही रामबाण का इलाज करता है। जी हाँ, दही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही हमारे सेहत के लिए। और अगर इस दही में आप बेसन मिलाते हैं तो ये दुगना काम करता है। इसका पेस्ट बनाने के लिए आप दही और बेसन ले लीजिए, साथ में दो चुटकी हल्दी डाल लीजिए और इसका पेस्ट बना के अपने बालों पर लगाइए। मानिए कि ये एकदम स्पा की तरह काम करेगा। जैसे आप अपने हेयर स्पा लेते हैं अपने बालों को पोषक तत्व देने के लिए, वैसे ही अगर घर पे इसका पेस्ट बना के अपने बालों पर लगाते हैं तो ये एकदम स्पा का काम करता है और आपके बालों को बहुत खूबसूरत बना देता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है और अंडा अगर आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर अंडे का आप बेसन के साथ पेस्ट बनाते हैं तो इसका असर दुगना हो जाता है। वहीं बेसन के अंदर जो भी विटामिन्स, कैल्शियम और आयरन्स होते हैं वो प्रोटीन के साथ मिलके आपके बालों को और भी एनर्जी देते हैं और आपके बालों को मजबूत करते हैं। इसका पेस्ट बनाने के लिए आप बेसन लीजिए और अंडा लीजिए, इसको अच्छे से फेंट लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डाल के अपने बालों पर अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों को बहुत अच्छे से पोषक तत्व मिलता है और इसकी मालिश आप बहुत अच्छे से कीजिए और थोड़ी देर बाद इसको गुनगुने पानी से धो लीजिए। देखिएगा उसके बाद आपके बाल कितने चमकदार हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे प्रभा साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम सजना है मुझे में कुछ देसी उपाय जिनको अपना कर आप घर पर ही एक बालों का हेयर पैक बना सकते हैं और अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत अच्छे से निखर के आएंगे और सिल्की हो जाएंगे। ऐसे ही तमाम टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।